सुप्रभात बच्चों, ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का पुनः स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 5वीं के हिंदी पाठ पुस्तक रिमझिम का पाठ 15 बिशन की दिलेरी का भाग 1 पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ में बिशन नाम के एक बच्चे के बारे में बताया गया है, जिसमें उसने एक घायल पक्षी तीतर को बचाया। बच्चों, किसी भी पक्षी या पशु को मारने से ज़्यादा बहादुरी तो उसे बचाने में है, और आप लोग भी यही काम करेंगे। हर पशु पक्षियों को प्यार करेंगे और उसे सताएंगे नहीं, और यह पाठ इसी का उदाहरण है। तो आइए बच्चों, पढ़ते हैं पाठ 15 बिशन की दिलेरी। सुबह का समय था, पहाड़ों के पीछे से सूरज झांक रहा था। 10 वर्ष का बिशन घर से बाहर निकल आया। वह रोज इसी समय इसी रास्ते से कर्नल दत्ता के फार्म हाउस पर जाता है। बच्चों, यहाँ पर बिशन के बारे में बताया जा रहा है कि अभी सुबह का समय था और पहाड़ों के पीछे से सूरज झांक रहा था, मतलब हल्के हल्के सूरज निकल रहा था। और जो 10 वर्ष का बिशन था, तो वह रोज कहाँ जाता था, कर्नल दत्ता के फार्म हाउस पर रोज जाता था, और इसी समय रोज जाता था वह। कर्नल दत्ता की पत्नी पढ़ाई में उसकी मदद करती है। फार्म से लगे सेबों के बाग में कीटनाशक दवा का छिड़काव हो रहा था और वह बहुत तड़के काम शुरू हो जाता था। बच्चों, कर्नल दत्ता की जो पत्नी थी, वह बिशन को पढ़ाई करने में मदद करती थी, उसकी सहायता करती थी पढ़ने लिखने में। जैसे आपकी मम्मी मदद करती है, वैसे ही उनकी मम्मी, उसकी जो कर्नल दत्ता की पत्नी थी, वो भी बिशन की पढ़ाई में मदद करती थी। और जो फार्म हाउस था, वहाँ पर बहुत सारे सेबों के बाग थे। वहाँ पर बाग में क्या था, सेबों के पेड़ थे। तो वहाँ पर कीटनाशक दवा, कीटनाशक यानी जब पेड़ पौधों में कीट लग जाती हैं और फलों को, पेड़ पत्तों को खाने लगती है, तब वहाँ पर कीटनाशक दवा का छिड़काव होता है, ताकि उससे पेड़ पौधे बचे रहे। तड़के यानी सुबह सुबह, बहुत ही सुबह। बिशन पगडंडी से अभी सड़क तक आ ही रहा था कि उसे गोली चलने की आवाज सुनाई दी। उसने इधर उधर देखा, कोई भी दिखाई नहीं दिया। वह कुछ ही दूर चला था कि उसे फिर गोली चलने की आवाज सुनाई दी। बिशन पगडंडी, पगडंडी यानी पतला रास्ता जो रहता है ना, थोड़ा सकरा सा, तो उसमें से अभी सड़क तक आ ही रहा था, उधर से जा रहा था वह फार्म हाउस के लिए। उसको क्या सुनाई दी, गोली चलने की आवाज सुनाई दी। अब वह देखता है इधर उधर कि कहाँ से गोली चलने की आवाज सुनाई दे रही है, कहाँ से आ रही है, लेकिन उसको कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। और वह कुछ दूर फिर आगे बढ़ता है तो फिर उसे गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। और इस बार क्या होता है, इस बार एक नहीं, 2-3 गोलियां एक साथ ही चली थी। गोलियों की आवाज से पूरी घाटी गूंज गई। पंछी घबरा गए, आसमान में गोल गोल चक्कर काटने लगे। बिशन सहम कर पेड़ों की आड़ में छिपकर खड़ा हो गया। बच्चों, पहले तो उसको गोलियां सुनाई दी 1-2, उसके बाद फिर क्या हुआ कि 1 नहीं 2-3 गोलियां एक साथ चलने लगी। अब गोलियों की जो आवाज थी, उससे क्या हो गया, वो घाटी थी तो वहां पर आवाज क्या है, जहाँ पे खाली जगह रहता है तो वहां गूंजती है ना आवाज, तो उसी प्रकार से जो घाटियां रहती हैं उसमें भी आवाज गूंजती है। तो गोलियों की आवाज पूरी घाटी में गूंज गई, और जो वहाँ आसपास पक्षी थे पेड़ पौधे में, तो वे सब घबरा गए और ऊपर उड़ करके आसमान में गोल गोल चक्कर काटने लगे। और बिशन क्या होता है कि सहम कर यानी डर कर पेड़ों की आड़ में छिपकर खड़ा हो गया और वह देखने लगा। बिशन जहाँ खड़ा था वहीं चुपचाप खड़ा रहा। उसे वहां से सीढ़ी नुमा खेत और फलों के बाग साफ दिखाई दे रहे थे। खेतों में काम करते हुए किसान भी दिखाई दे रहे थे। फसल तैयार खड़ी थी। बच्चों,
अब सहम कर डर कर बिशन जो है पेड़ के पीछे छिप कर चुपचाप वहां पर खड़ा था। और उसे वहां से वह छिप करके क्या देख रहा था कि वहां पे सीढ़ी नुमा खेत, सीढ़ी नुमा जो आप लोग इस चित्र में देखे, जो देखने में सीढ़ियों की तरह बराबर एक के बाद एक ऊंचा होता गया हो, जैसे आप लोग सीढ़ी चढ़ते हो ना, वैसे ही डिजाइन से वहां पर खेती की जाती है। तो खेतों में जो वहां पर काम कर रहे थे वे किसान भी दिखाई दे रहे थे, और जो फलों के बाग थे वह भी बिशन वहां से चुपचाप खड़ा खड़ा देख रहा था और उसको सब दिखाई दे रहा था। धन्यवाद बच्चों।